वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में आज मैं इधर उत्तम नगर आया हूँ, एक भैया के पास, दीदी हैं। तो यहाँ से कुछ जानने को मिला है तो मैं चाहता हूँ कि वो अनुभव आप लोगों तक भी पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि भैया अपना परिचय बताएंगे और कुछ जो आपके अनुभव हैं जो आपने भी बुज़ुर्गों को देखा है वो बताइए ज़रा। जी, हमने तो बुज़ुर्गों को देखा है। पहली बात तो हम कभी बीमार हुए नहीं बचपन में। ठीक है जी। वैसे अगर किसी बच्चे का गला खराब हो, नाक खराब हो, तो उसमें एक चुटकी सेंधा नमक लो या तो एक चुटकी आप बोलो मीठा सोडा ठंडे पानी में, ठीक है, दो दो बूंदे बच्चे के नाक में डालो, बच्चा हो बड़ा हो, जिससे नाक भी साफ हो, सॉरी नाक भी खुल जाएगा और गला भी बस बढ़िया हो जाएगा। अच्छा ये है जी, बहुत बढ़िया। पेट दर्द के लिए नशदर लो, सबसे बढ़िया क्या है? नौसादर। हाँ नौसादर, वो पंजाबी में नौसादर कहते हैं। अच्छा नौसादर होता है। अच्छा कितना देना होता है नौसादर बच्चे को? इतना अगर नमक के चने के दाने। अच्छा किसके साथ? पानी पानी ऐसे पानी से पेट दर्द में। हाँ जी, कभी छाती रुकी हुई सौंफ और अजवाइन का पानी उबाल के ना, हाँ इतना चुटकी, ऐसे नमक डालना, ठीक है, तो वो बुला लो बच्चे को अजवाइन और सौंफ के पानी में। फिर चीनी डाल दो, वो एक चमचा आधा चमचा जितनी उसका दिमाग का रेशा बहुत। अच्छा वैसे तो वो भी आता है जी, अपना जो जिससे पेठा बनता है ना पेठा, हाँ उससे यूरिक एसिड भी ठीक होता है। अगर आप उसको खाली पेट, यूरिक एसिड भी ठीक होता है, शुगर भी नॉर्मल होती है, काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ता है। अच्छा, पेठे के जूस पीने से और सफ़ेद पानी की शिकायत भी दूर होती है, काफ़ी फर्क पड़ता है उससे, बहुत फर्क पड़ता है, मोटापा भी कम होता है। बहुत चीज़ों का फर्क है उसमें सफ़ेद पेठा में, वो तो हमने खूब पिया हुआ, खूब पिया जी, ये चीज़ें तो बहुत पिया जी। जहर मोरा, अब तो सब अंग्रेजी दवाई जानते सारे। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मलाई लो, ताजीर हो या बासी भी हो, अगर इतना सा बिल्कुल चने के दाने जितना वो मीठा सोडा डालना उस पर, ठीक है, और उसको निगल जाओ, उसके बाद दो तीन घंटा पानी वानी कुछ नहीं पीना, सांस की खांसी वासी की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती है। अच्छा ये हमारे यहाँ नहीं कहना कि सोडा, हाँ उसको बोलना ये दवाई है, सोडे का नाम ये किसी ने बताया था, मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, मलाई ला के ना ऐसे पर तुमने आके बीच में डाल के थोड़ा सा इतना सा उसके ऊपर पलट डाल दो, बिल्कुल सीधा निकाल देना अंदर। अच्छा, निकलना है। हाँ, निकलना। पानी वगैरह कुछ नहीं पीना। खांसी अच्छा। भी बहुत ठीक होती है और सांस की प्रॉब्लम भी अच्छी होती है। ये तो हमारे पास जो थी हमने आपको बताई। ठीक है भैया, बस हम तो इसी काम में लगे हैं। मैं तो ये प्रयास है कि देखो भैया जो हमारी क्योंकि आजकल के बच्चों में दिक्कत क्या आ रही है कि अब बच्चे पैदा भी हो रहे हैं तो दवाइयों से। बिल्कुल आजकल तो वो भी नहीं मिलती, क्या दाइयाँ भी नहीं मिलती। मैं तो अपनी मिसेज को दाई के पास लेके गया हूँ हमेशा, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी। 45 साल की दाई थी वो, सॉरी 45 साल पुरानी दाई थी वो, 80 साल की दाई थी वो जय गुरानी में, जो इस तरह की ट्रीटमेंट करती थी। पर बच्चा जो है मेरे हॉस्पिटल में हुआ है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो वही करती थी, बताई बहुत अच्छी दाई थी जी, बहुत अच्छी दाई थी। ठीक है भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद जी।